Welcome back, dearest parents, in Geography Optional Biology online platform. Friends, today's our topic is motivational talk. आज हम एक motivational talk करेंगे और उसमें हम discipline के बारे में चर्चा करेंगे. Discipline हमारे जीवन में बहुत ही important role play करता है. अनुशासित रहना जीवन का एक रहस्य है और जो व्यक्ति अनुशासित रहता है वो जीवन में अपने विभिन्न चरणों में सफलता को प्राप्त करता है. ये किस प्रकार से होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और एज अ स्टूडेंट हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्या रोल प्ले करता है, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे. इस मोटिवेशन टॉक की शुरुआत मैं करना चाहूँगा एक बहुत ही अच्छे कोटेशन से. व्यक्ति खुद ही अपना सबसे बड़ा रक्षक हो सकता है. ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति खुद ही अपना सबसे बड़ा रक्षक हो सकता है और दूसरा कौन उसकी रक्षा कर सकता है. अगर आपका स्वयं पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं. फ्रेंड्स, ये जो कोटेशन है ये गौतम बुद्ध के द्वारा कहा गया और इसमें जो पहली पंक्ति जो हमने अभी बताई आपसे, हमने अभी आपसे चर्चा की कि व्यक्ति खुद ही अपना सबसे बड़ा रक्षक हो सकता है. देखिए, यहाँ पर रक्षक इन द सेंस है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है ये आप निर्धारित कर सकते हैं. आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप अपने हृदय से अज्ञान रूपी संदेश को जो है काट कर अलग कर सकते हैं आत्मज्ञान की तलवार से. आप अपने हृदय में स्थित अज्ञान रूपी संदेह को आत्मज्ञान की तलवार से काट कर अलग कर सकते हैं और आप ये जान सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है. आपको ये किसी को कोई आपको ये बताना नहीं चाहेगा, किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये चीज़ आपके लिए सही है ये चीज़ आपके लिए गलत है. अगर आपने एक बार अपने अंतर मन अपने आत्मज्ञान की बात को समझ लिया, अपने अंदर से आपने अगर अज्ञान को बाहर निकाल दिया तो आपको कोई भी बताने की ये जहमत नहीं करेगा कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, बल्कि आप खुद अपना फैसला ले सकेंगे, आप खुद अपनी रक्षा कर सकेंगे, बुरी चीज़ों से रक्षा कर सकेंगे, आप अपने लिए अच्छी अच्छे चीज़ों को चुन सकेंगे, आप अपने लिए अच्छे राह को चुन सकेंगे. और फ्रेंड, दूसरी लाइन कहता है कि दूसरा कौन आपकी रक्षा कर सकता है. आप अपने बारे में सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं इस पूरे प्लानट पर, इस पूरे वर्ल्ड, इस पूरे यूनिवर्स में. आपसे बेहतर आपको कौन जानता है आप मुझे बताएं. आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, आप ही हैं जो आपने आपको सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं. और आप मुझे बताइए कि अगर आप जब सबसे बेहतर तरीके से अपने आप को जानते हैं तो आप ये भी तो जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है. आपको कोई दूसरा कैसे बता सकता है कि ये आपके लिए अच्छा है ये आपके लिए बुरा है, जब तक कि आप अपने अंदर से उस अज्ञान रूपी संदेह को बाहर ना निकाल दें, अपने आप अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस ना लेके आए कि मेरे अंदर वो क्षमता है, मैं ये कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट, वी कैन डू इट. जब तक आपके अंदर इस तरह की भावना नहीं आएगी तब तक आपको कोई ना कोई एडवाइस देता ही रहेगा. आपको एडवाइस की जरूरत नहीं, बल्कि आपको जरूरत है तो वो सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन की, अपने आत्मज्ञान को बढ़ाने की. और यही वो दो ऐसे शस्त्र हैं जिससे आप अपने सफलता को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो पाएंगे. आज हम बात करेंगे डिसिप्लिन पे. हमारा जो मेन मोटिव है डिसिप्लिन पे बात करने का है. अगर मैं बात करूँ इसकी अगले पंक्तियों की, तो अगर आपका स्वयं पर पूरा नियंत्रण है, इसका मतलब अगर आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं, यू आर अ कंट्रोलर ऑफ योर्स. अगर आप अपने आप का कंट्रोल करते हैं, अगर आप अपने आप को बुरी चीज़ों से बचाते हैं, आप अपने आप को अगर आप ज्ञान की धारा में लेकर जाते हैं, अपने आप को अगर आप अच्छाई की दिशा में मोड़ते हैं, तो आपसे बेहतर कंट्रोलर, आपसे बेहतर इंसान कौन हो सकता है मुझे बताइए. क्या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको कंट्रोल करे, आपको बताए कि ये रास्ता सही है तुम्हें इधर जाना चाहिए, सिवाय आपके जब तक आप ना समझें, आप ना सोचें कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है और कोई दूसरा मुझे क्यों बताए. मेरे अंदर भी इतनी क्षमता है कि मैं अपने सही और गलत की पहचान कर सकता हूँ और मैं उसे जान सकता हूँ और मैं उस पाथ को फॉलो कर सकता हूँ. आपको वह क्षमता हासिल होगी जो बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं. डिसिप्लिन फ्रेंड्स एक ऐसी चीज़ है, अनुशासन एक ऐसा चीज़ है जो छोटे से छोटे आदमी को बड़ा बना देता है और जो बड़े से बड़े आदमी को छोटा बना सकता है. मैं इसके आपको कई एग्जांपल्स दे सकता हूँ. अगर आप डिसिप्लिन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने स्कूल टाइम की, जिसमें हमको बचपन से ही सिखाया जाता है कि अनुशासित रहो. हमें आखिर ऐसा क्यों सिखाया जाता है कि हमें अनुशासित रहना चाहिए. देखिए, अनुशासित होना एक बहुत ही अच्छा कदम है और बहुत ही अच्छी बात है अनुशासित होना. ठीक है, अगर आप अनुशासित नहीं है तो आप चाहे कितनी भी सफलता प्राप्त कर लें, उसके बाद फिर आप उस सफलता को संभालने की स्थिति में नहीं रहेंगे. आपसे वो सफलता फिसलनी है. वो सफलता आपके पास ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी अगर आप अपने आप को अनुशासित नहीं रखते हैं. तो अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आज के समय देखें तो ऐसे कई लीडर आपको दिख जाएंगे, ऐसे कई बिजनेसमैन दिख जाएंगे आपको, ऐसे कई मोटिवेटर दिख जाएंगे आपको, जो लगातार अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हैं, लगातार एक अनुशासित जीवन जीते हैं
और आज वो सफलता की सीढ़ी को चढ़ रहे हैं। और आपको ऐसे कई लोग और भी दिख जाएंगे जो जो डिसिप्लिन को उतना ज़्यादा केयरफुल नहीं लिए, जो डिसिप्लिन की महत्ता को उतना नहीं समझे, एक बार शिखर पर पहुँचे उसके बाद अनुशासित नहीं रहने के कारण उनका अब क्या हो रहा है, पतन हो रहा है। हम बात करते हैं अपने स्कूल टाइम से, हमके स्कूल टाइम से सिखाया जाता है कि हमें अनुशासित रहना चाहिए, अनुशासन ही जीवन का रहस्य है, अनुशासित बनो सफल बनो, ठीक है। तो आप देखते हैं कि बचपन से हम सीखते हैं कि अनुशासित हमें होना चाहिए। अब बड़े होते हैं हम विभिन्न स्पोर्ट्स सीखते हैं, स्पोर्ट्स में नियम बनाए जाते हैं, वो नियम किस लिए होते हैं, एक अनुशासित खेल खेलने के लिए नियम होते हैं कि आप जो खेल को खेलें तो खेल की भावना से खेलें, एक अनुशासन से खेलें, एक नियम के तहत खेलें, और इससे जो है आपका खुद का जो व्यक्तित्व है वो तो निखरेगा ही निखरेगा, साथ ही साथ खेल भावना भी यहाँ पर बढ़ेगी। आज अगर आप देखें तो विभिन्न हमारे क्रिकेटर्स, विभिन्न हमारे एथलीट्स, ये क्या है, ये एक अनुशासित जीवन जीते हैं। अगर आप बात करें विराट कोहली की, अगर आप बात करें महेंद्र सिंह धोनी की, आप सचिन तेंदुलकर की बात करें, आप पीवी सिंधु की बात करें, आप श्रीकांत कांदी की बात करें, आप पेस की बात करें, आप जिसकी भी बात करें, ये सभी एक बेहतर अनुशासित जीवन जीते हैं। इन सब में एक अनुशासन की उच्चता है, इन सब ने अनुशासन को अपने अंदर आत्मसात किया है, बिल्कुल अनुशासित तरीके से जीते हैं, अपने कार्य के प्रति बिल्कुल अनुशासित रहते हैं। देखिए यहाँ पे अनुशासन का मतलब ये मत समझिए आप कि आपको कोई चीज़ करने के लिए कहा जा रहा है, आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि तुम्हें ये काम करना ही है, तुम्हें इस टाइम ये काम करना चाहिए, तुम्हें इस टाइम ये काम करना चाहिए। ये आपने मान लीजिए कोई शेड्यूल आपने बना लिया, आपने अपने दीवार पर चिपका दिया, उसमें लिख दिया कि मुझे इतने बजे उठना है, ये काम करना है, ये काम इतने बजे करना है, इतने पढ़ना है, इतने खाना है, इतने खाना बनाना है, इतने सोना है, आपने इस तरह की चीज़ें लिख दी अपने शेड्यूल में, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उसके अकॉर्डिंग चलने लगे तो वो अनुशासन हो गया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अनुशासन वह नहीं है जो आपने दीवार पर चिपका रखा है, अनुशासन तो वह है जो आपके अंतर्मन से, आपके आत्मज्ञान से निकल रहा है, और जो किसी भी प्रकार से आपके ऊपर दबाव नहीं बना रहा है कि तुम्हें ये काम करना है, बल्कि वो काम खुद ही अपने समय पर हो जा रहा है, अनुशासन दोस्तों उसे कहते हैं। अगर आप जो काम करना चाहते हैं वो काम अपने समय पर खुद ही हो जा रहा है, आपको उसके लिए कोई अलग से प्रेशर देने की जरूरत ना पड़े, अलग से कोई एफर्ट देने की जरूरत ना पड़े, तो वही एक अनुशासन है। आपको इसी अनुशासन की जरूरत है, मैं आपसे इसी अनुशासन की बात कर रहा हूँ, ना कि वो उस अनुशासन की बात कर रहा हूँ जो आपसे दीवार पर लगे हुए कुछ चंद अक्षरों को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। तो इस अनुशासन को डेवलप करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ इसके बारे में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम विद्यार्थी जीवन में जी रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ या फिर आपके आगे फर्दर लाइफ। देखिए स्टूडेंट लाइफ में इसका इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट्स लाइफ एक बहुत ही लंबा पीरियड होता है और हमें लगातार मोटिवेशन की जरूरत होती है, और इसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। अगर आप एक अनुशासित तौर पे अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं तो आप कभी भी आप डीमोटिवेट नहीं होंगे, आप हमेशा ही फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे, हमेशा आप आगे बढ़ने के लिए तैयार रहेंगे, और ये जो सब चीज़ें होंगी आपके साथ वो अनुशासन, एक बेहतर अनुशासन से होगा। आपको इससे बिल्कुल भी आप ये ना समझें कि दीवार पर चिपका देंगे आप, उसके अनुसार आप चलेंगे तो वो अनुशासन आपके लिए नहीं। आप अगर एक बेहतर अनुशासित जीवन जीते हैं तो आपकी चीज़ें अपने समय पर खुद ही होती हैं, बिना किसी दबाव, बिना किसी प्रेशर के, वो चीज़ आपके लिए अनुशासन है। अभ्यास के बिना अनुशासन को कायम नहीं रखा जा सकता, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि एक बार अनुशासन बनाने के लिए आपको पहले प्रैक्टिस, आपको पहले अभ्यास करनी ही पड़ेगी। आपको एक बार जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा कि मेरा अनुशासन बन जाए कि जो कार्य मुझे जिस वक्त करना चाहिए वो कार्य मैं उस वक्त करूँ, और वो कार्य अप्रोप्रिएट हो। इसके लिए आपको एक बार अभ्यास करना पड़ेगा। जब आप अभ्यास करके अपने आप को अनुशासित कर लेंगे तो फिर कभी भी आपको किसी भी प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ेगी एक अनुशासित जीवन जीने के लिए। आप अनुशासित जीवन लगातार जिएंगे, आपको कोई वहाँ पे किसी को कहने की आवश्यकता नहीं होगी, आपके अंतर्मन से आपके आत्मज्ञान के आधार पर आप सारी चीज़ों को उन समय के अनुसार जो है करना शुरू करेंगे। और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन कितना जरूरी है ये आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आप अनुशासित नहीं विद्यार्थी जीवन में तो आपको बहुत सी चीज़ें मिलने वाली नहीं। आप बिल्कुल समझ लीजिए कि एक ऐसा जीवन जिएंगे जिसमें एक बिना पैर के आप दौड़ना चाहते हैं, क्योंकि अनुशासन नहीं तो आपकी कोई भी चीज़ सिस्टमैटिक नहीं होगी, कोई भी चीज़ आपकी व्यवस्थित नहीं होगी, और जब चीज़ें व्यवस्थित नहीं होंगी तो आपका दिमाग भी उसी तरह से बिल्कुल क्या रहेगा, उथला उथला रहेगा, उबड़ खाबड़ तरह रहेगा, दिमाग भी आपका व्यवस्थित नहीं रहेगा, और जब दिमाग आपका व्यवस्थित नहीं रहेगा तो आप चीज़ों को कैसे व्यवस्थित कर पाएंगे, आप मुझे बताइए। डिसिप्लिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन अ स्टूडेंट लाइफ, एंड एवरी स्टूडेंट शुड फॉलो द डिसिप्लिन, एंड एवरी स्टूडेंट शुड लीव विद डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन से रहना, डिसिप्लिन से जीना ही सब स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता है, अगर आप डिसिप्लिन से अपनी लाइफ में, अपनी स्टूडेंट लाइफ में जीते हैं तो आपको आगे भी इसका फायदा मिलते हैं। आप जब अपने दूसरे आश्रम में प्रवेश करते हैं तो उस आश्रम में भी आप अपने आने वाली पीढ़ी को, ठीक है, अपने परिवारजनों के साथ, अपने समाज के साथ उस डिसिप्लिन को जब शेयर करते हैं, उस डिसिप्लिन को जब आगे बढ़ाते हैं, तो एक बेहतर समाज का निर्माण करते हैं आप।
लेकिन अगर जब आप यही कार्य नहीं करते हैं तो फिर एक बेहतर समाज के आप एक बेहतर इंसान भी नहीं बन पाते हैं, जो कि समाज में एक तरह से अराजकता फैलाता है। तो डिसिप्लिन डियर फ्रेंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को अनुशासित होना चाहिए। और अनुशासन का मतलब आप बिल्कुल ये ना समझें कि एक दीवार में चिपका हुआ इंस्ट्रक्शंस का पॉइंट है, वो इंस्ट्रक्शंस का पॉइंट बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा पॉइंट है जो आपके अंतर मन में, आपके हृदय में, आपके आत्मज्ञान में वो जो है प्रभावित हो रहा है और लगातार आपके लिए बाहर वो क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, बल्कि वो किसी प्रकार का प्रेशर दे ही नहीं रहा है, वो तो लगातार आपसे अपना काम करवा रहा है और आप काम को करते जा रहे हैं बिना किसी प्रेशर को लिए हुए। इस बात का दोस्तों ध्यान रखेंगे, हम दबाव से अनुशासन कभी नहीं सीख सकते। अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर डालता है तो आप कभी भी अनुशासन नहीं सीख सकते, ये कथन महात्मा गांधी ने कहा था। और इस कथन का मैंने आपको पहले ही सार बता दिया कि अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर डाला तो आप कभी भी अनुशासन नहीं सीख सकते। आपके लिए अनुशासन बहुत ही जरूरी है। आज पीटी का एग्जाम हो गया है, पीसीएस पीटी का, यूपी पीसीएस पीटी का एग्जाम हो गया है। और आज के बाद कुछ स्टूडेंट पहले एक दो दिन रोज रेस्ट करेंगे, उसके बाद कुछ लोग मेंस की तैयारी में लग जाएंगे या फिर कुछ 2018 की तैयारी में लग जाएंगे। आज ही आप प्रण करें अपने आप से, आज ही अपने आप से आप एक वादा करें कि आपको आज से ही अनुशासित जीवन जीना शुरू करना है। अगर आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, अगर आपको एक सफल व्यक्ति बनना है, अगर आपको इस समाज में ऊंचाइयों को छूना है, अगर आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करना है, तो आपको एक अनुशासित व्यक्ति बनना ही पड़ेगा। बिना अनुशासन के कुछ भी आपको प्राप्त नहीं हो सकता, इस बात को आप नोट कर लें। अनुशासित होना बहुत ही जरूरी है, और अनुशासित होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कल को अगर आप सफलता के शिखर को चूमते हैं, कल को अगर आप सफल व्यक्ति होते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप सफल होने के बाद उस शिखर से अचानक से धड़ाम से नीचे गिर जाएं। क्योंकि अगर आपके अंदर अनुशासन नहीं रहेगा तो आप उस सफलता के शिखर पर अपने आप को टिका कर नहीं रख पाएंगे, अपने आप को आप डिगा देंगे वहां से और अपने आप को आप फिर वहां से नीचे गिरा देंगे। इसलिए अनुशासन आपके लिए बहुत ही जरूरी है, इसको पालन करना, इसका पालन करना बहुत ही जरूरी है। और आज से आप प्रण कर लीजिए कि अगर आपको पीटी आगे मेंस का एग्जाम देना है या फिर आपको किसी भी 2018 का पीटी एग्जाम देना है, तो आप उसके लिए पूरे तरीके से अपने आप को अनुशासित रखेंगे और चीज़ों को एक सिस्टमेटिक वे में लेकर डेवलप करेंगे। और अनुशासन आप इस तरह से डेवलप करेंगे कि केवल एक पन्ने का इंस्ट्रक्शंस नहीं होना चाहिए आपके लिए वो, बल्कि वो आपके अंदर से वो बातें आनी चाहिए कि इस समय मुझे ये कार्य करना चाहिए, मेरे लिए कार्य जरूरी है और मुझे ये कार्य करना है और ये कार्य मुझे करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। कहीं से कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए, बल्कि वो आपको आपकी ज़रूरत लगे, वो आपको आपका काम लगे, इस तरह से अनुशासन को आपको डेवलप करना है। फ्रेंड्स, मैंने जब से इस चैनल को स्टार्ट किया, आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसा दिन नहीं जिस दिन मैंने वीडियो नहीं डाले हूँ। मैंने हर दिन वीडियो डाले हैं, मैंने हर दिन टाइम से वीडियो डाले हैं, और मैंने कोई भी चीज़ ऐसा जो शुरू किया है उसको खत्म करने के लिए लगातार मैं उसके अग्रसर हूँ। मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि जो मैं शुरू कर रहा हूँ उसको मैं अभी साइड में कर रहा हूँ कुछ नया शुरू करने की वजह से, मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा और न किया मैंने ऐसा। मैंने जो भी शुरू किया मैंने कहा कि उसे मैं खत्म करूंगा, उसके बाद उसे मैं रोकूंगा। तो मैंने ऑप्शनल पढ़ाना शुरू किया, मैं ऑप्शनल लगातार लेके चल रहा हूँ। मैंने पॉलिटी पढ़ाना शुरू किया तो कुछ लोगों ने कहा कि सर आप पॉलिटी मत पढ़ाइए, पहले ज्योग्राफी ऑप्शन खत्म कर दीजिए। लेकिन मैंने कहा कि आपको पॉलिटी भी पढ़ाई जाएगी, आपको ज्योग्राफी ऑप्शन भी पढ़ाई जाएगी, आपको दोनों साथ में पढ़ाया जाएगा। और मैंने दोनों साथ में दोनों को लेकर पढ़ा रहा हूँ और बिल्कुल टाइम से पढ़ाता हूँ, बिल्कुल टाइम से आपको वीडियो मिल जाते हैं। ये मेरा एक डिसिप्लिन है दोस्तों, फ्रेंड्स, ये मेरा एक अनुशासन है। मुझे इसके लिए किसी प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ती, मेरा एक अनुशासन है कि मैं आप लोगों के लिए कर सकूं, मैं आप लोगों के लिए वो चीज़ें प्रदान कर सकूं जो मेरे पास है, मैं आप लोगों को वो चीज़ें दे सकूं। इसलिए मैं चीज़ों को बिल्कुल टाइम नहीं करता हूं, बिल्कुल टाइम से चीज़ें आपके पास डिलीवर कर देता हूं। ये मेरा एक अनुशासन है, मैंने एक अनुशासन डेवलप कर लिया है। आपको डेवलप करना है, अगर आपने अभी तक डेवलप नहीं किया तो आप डेवलप कर लें, क्योंकि बहुत ही जरूरी है जीवन में सक्सेस होने के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अनुशासित होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए दोस्तों अनुशासन की महत्व को आप समझें और इसको डेवलप करें। और आज का ये वीडियो मैं समाप्त करने से पहले आपको एक कोटेशन दे देता हूँ, और मैंने आपको बता दिया कि एक पथ एक राह तो मैंने आपको पकड़ा ही दी है कि इस राह पर आपको चलना है। एक बहुत फेमस कोटेशन है हरिवंश राय बच्चन जी का कि मदिरालय जाने को घर से निकलता है पीने वाला, किस पथ पर जाऊँ असमंजस में है वह भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। दोस्तों आपको अगर अपनी मंजिल प्राप्त करनी है आपको अनुशासित होना पड़ेगा अपने जीवन में, और उसके द्वारा ही आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। और उस अनुशासित होकर ही आपको एक निर्धारित पथ पर चलना होगा। उस निर्धारित पथ पर चलने के लिए आपको जिस कंटेंट की जरूरत होगी, सारे कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको बस मोटिवेट रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, और आपको अपनी सफलता के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ना है। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो मोटिवेशनल टॉक, इसमें हमने बात की डिसिप्लिन पर। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताएं, और आगे जिस चीज़ पे हमने डिस्कस किया कि आगे आपको किस तरह से इस पीटी एग्जामिनेशन के बाद चीज़ों को प्रोसीड करना है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए अपनी आगे की स्ट्रेटेजी को जो है डेवलप करें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।